Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. Another day, another show, and what a brilliant match it was yesterday. वो कहते हैं ना कि मुकाबला जब तगड़ा हो तो बड़ा मजा आता है. And yes, both the teams challenged each other. मगर at the end of the day, जो आखिर में जीता, वो that was Team India with 41 runs की जीत हासिल हुई इंडिया को. इट वॉज इंडिया वर्सेज श्रीलंका. श्रीलंका ने बेहतरीन बॉलिंग करके 213 रन्स पे जो है वो आउट कर दिया था टीम इंडिया को. ऑल आउट टीम इंडिया को किया गया. श्रीलंका पिछले 14 ODI से अपने ऑपोजिशन को ऑल आउट कर रही है. दैट इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ. मगर जो विनिंग स्ट्रीक थी श्रीलंका की, उसको ब्रेक लगाया टीम इंडिया ने यहाँ पे. शायद ये 213 जो थे ये ज़्यादा बन गए थे. अगर ये ज़्यादा नहीं बनते तो थोड़ा सा और श्रीलंका चैलेंज कर पाती टीम इंडिया को. बट डाउन दी ऑर्डर आके जो है कुछ रन और जुड़ गए. बट श्रीलंका प्लेड वेल. मगर जिस तरह ट्रैप किया कुलदीप यादव, वी ऑल न्यू कि उन कंडीशन में बहुत डेंजरस होंगे. एंड कुलदीप यादव ने वो प्रूव करके दिखाया, बिकॉज इट वॉज अ प्योर स्पिनिंग ट्रैक और स्पिनर्स ने भरपूर उसका फायदा उठाया. मगर जसप्रीत बुमराह इज टर्निंग आउट टू बी डेंजरस. इंजरी के बाद वापस आके ही इज टोटली वेरी वेरी डेंजरस. बात करेंगे इस मैच के हवाले से, एंड ऑब्वियसली बात पाकिस्तान के हवाले से भी होगी, बिकॉज पॉइंट्स टेबल पे अब हो गया है बड़ा सिलसिला गंभीर. गंभीर ऐसे हो गया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच होगा वो अनऑफिशियली एक सेमीफाइनल की जिसने शक्ल धार ली है. क्योंकि जो इन दोनों इस मैच में से जो टीम जीतेगी वो टीम जाएगी सीधा फाइनल में. सो यस, और नेट रन रेट की बात करें तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत बहुत ख़राब है. तो मैच जीतना ही जीतना है, कोई और देर इज़ नो अदर सोल्यूशन टू दैट. इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गई है फाइनल के लिए. दी फर्स्ट फाइनलिस्ट जो हमारे सामने है वो इंडिया है इवेंचुअली. सो येस, डिस्कशन का आगाज करेंगे. जोर के जोड़ की फैमिली को जो है वो खुश आमदीद कहेंगे. मगर बिफोर दैट, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज ये स्पार्क्स के तो आपको इनामात मिल ही रहे हैं, स्मार्टफोन मिल ही रहा है. मगर आज जो है वो कुछ स्पेशल हमारे इनाम हैं जो आपके लिए हम अनाउंस करेंगे. मगर अभी नहीं, जब 2 बजे के बाद हमारा सेशन शुरू होगा तो उसके बाद जो है वो प्राइजेस भी अनाउंस होंगे. उनके लिए स्पेशल जो सवाल हैं वो भी अनाउंस होंगे. एंड आई एम श्योर यू विल लव दोज गिफ्ट्स. मगर आपको जो है बड़ी थॉटफुली सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. सो जोर के जोड़ की फैमिली को करते हैं खुश आमदीद. द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ इज़ विद अस. हमारे अपने द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड द पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू. तो सबसे पहले तो मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स. एंड इवेंचुअली जिस टीम्स ने ज़्यादा प्रॉम्प्टली गेम अवेयरनेस दिखाई वो जीती कल का मैच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. क्यों? मैं 2 पॉइंट लूज कर चुका हूँ. श्रीलंका को मैंने चूज किया था. हाँ. And I'm very angry with them. मगर 5 से 6 में आपने कुछ जरा तब्दीली दिखाई थी. नहीं, तब्दीली वो इसलिए दिखाई थी कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था. हाँ. कि अगर वो... इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइनस में चले गए. हाँ. ये इनका नेट रन रेट ना बिल्कुल हो गया पाकिस्तान जैसे. पहली दफा गलती हुई, इससे पहले भी गलत मैचेस हुए. अच्छा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा था. पता क्यों? क्योंकि इंसेंटिव नहीं है हमारे लिए. हाँ. यहाँ पे जीत और कॉन्सिक्वेंसेस. हाँ. और इंसेंटिव हो ना. हाँ. फिर रात को बंदा फिगर आउट करके ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुन रहे हैं ना. हाँ. सुन रहे हैं ना हमारे. हाँ. प्रोड्यूसर को बता दें जरा इस बात को. अच्छा, कमिंग बैक टू द मैच, इंडिया के जैसे उनके स्पिनर्स थे, हम सारे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं सबकी एक राय थी, अगर 170-180 से ज्यादा स्कोर कर गया इंडिया तो सबकी राय ये थी कि दैट विल बी वेरी टफ फॉर श्रीलंका टू चेज. वेरी ट्रू. ऑल दो उनकी होम कंडीशन है, जैसे मर्जी आप समझ लें. द रीजन बिहाइंड दैट, आपको कॉमन सेंस की बात है, पिच नजर आ रही है. पिच पे बॉल फंस भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था. खिंचा हुआ बॉल जो चौके वाला बॉल होता है उसको भी मारना मुश्किल होता है. पता नहीं था कि टर्न कितना होना. एक तो बैट्समैनों को पता होता है ना कि इतना टर्न होगा. Yes. तो मैं इस पर कट मार सकता हूँ. वो एक ज़्यादा टर्न हो रहा था, एक कम हो रहा था, कोई सीधा रह रहा था. ऐसी पिच के ऊपर 170 बहुत होते हैं. इंडिया की जो बॉलिंग है, कुलदीप जिस तरह का रिदम में है और जडेजा जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, हमने बार बार इस शो के ऊपर बात की है कि गेम अवेयरनेस क्या किया था. जैसे ही वो जो नीचे से जो उनका खब्बा बैट्समैन है, वो अंडर 19 का कप्तान विला लागे, वो एक तो नाम इनके इतने मुश्किल. देखे एक बात सुने, वो उसका नाम अगर हम पंजाबी में ले तो वेला लागे, मगर वेला बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, वेला नहीं है. इनपुट अभी बल्कि अभी मैं बताया, वसीम भाई से बात हुई तो
उसका नाम मेरी जुबान पे नहीं चल रहा था, मैंने वेला ग्वादर कह दिया उसको तो वो अच्छा वो बट उस व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग ही बैटेड, कितना टेम्परामेंट उसका तगड़ा था। अपना सिलेक्शन पे बैठा हुआ था कि मेरे पास गेंद पड़ेगा उसको मैंने छोड़ा, उसको मैंने छोड़ना नहीं। yes. खिंची हुई गेंद पे मैंने ट्राई टू गेट सिंगल। yes. उससे एंड में गलती पता क्यों हुई, जो ऐसे मौकों पे गलती बच्चा है उसने सिंगल नहीं लेनी चाहिए थी उस बॉल से पहले थी। हाँ. अगर वो सिंगल, क्योंकि नया बैट्समैन था, आखिरी नंबर 10 वाला बैट्समैन था, ऐसे मौके के ऊपर उसको चाहिए था कि मैक्सिमम ओवर्स मैक्सिमम बॉल खुद खेलता। सो क्रेडिट गोज टू इंडिया, इंडिया प्लेड आउटस्टैंडिंग वेरी प्रोफेशनली एंड यू कैन सी द रोहित शर्मा'स एटीट्यूड व्हेन ही गॉट एवरी टाइम व्हेन एवर ही गॉट अ विकेट। मैंने रोहित शर्मा को कैसे सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा था, उसकी रीजन पता क्या है, ही रियली मीन्स टू विन दिस टूर्नामेंट एंड हिज बॉडी लैंग्वेज एज ही एक्चुअली नाउ डिक्टेटिंग उसकी, क्योंकि वो बहुत उसकी वो ना काम डाउन सा रहता है, यू नो जैसे रिलैक्स रहता है, मगर उसको किसी ने जरूर ये बात की है कि एज ए कैप्टन यू हैव टू शो योर बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वराद की है, यू नीड टू बी अग्रेसिव, ऑल्दो इट्स नॉट योर नेचर बट यू हैव टू अडॉप्ट दोस थिंग, ऐसी चीजों को आपने करना होता है एज ए कैप्टन। आप जब ऐसे कैप्टन करते हो ना तो आप, ये दोनों कैप्टन हमारे साथ बैठे हैं राइट लेफ्ट पे मेरे, जब इनकी बॉडी लैंग्वेज गंदी होगी, बाबर की गंदी होगी ना, तो आप जो मर्जी कर लें पूरी टीम फ्लैट हो जाती है। तो आई थिंक ये रोहित शर्मा ने ये इस टूर्नामेंट में मैंने नोट किया है कि एवरी टाइम दे गेट विकेट्स ही इज द मोस्ट पर्सन हु हैज सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द विकेट बेसिकली। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया टू बी ऑनेस्ट। बट जो सक्सेस की बात करें और जो सेलिब्रेशन की बात करें, लाला कल जब मेरे ख्याल से करुणारत्न जब आउट हुए तो द काइंड ऑफ, मतलब वो पुराना विराट कोहली हमें दिखा और बार बार ब्रॉडकास्टर्स भी उसको दिखा रहे थे, ही वाज सो अग्रेसिव एंड सो एंग्री, मे बी वाइल इंडिया वाज बैटिंग समथिंग हैबिट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिकॉज विराट कोहली वाज ऑन फायर जिस वक्त करुणारत्ने आउट हुए हैं, वो पुराना वाला विराट कोहली, वो चीखता हुआ, वो मतलब ये अग्रेसिवनेस बहुत दिनों बाद विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये सीनियर प्लेयर्स, इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी उसी हिसाब से बनती है। सवेरे पहले मैच के बाद इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इंडिया में, तो आई मीन के आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा बकवास की जाती है और चीज़ें सामने आती ही आती हैं प्लेयर्स की, पढ़ते हैं देखते हैं चीज़ें, तो देखिए फिर टीमें भी वही होती हैं, इंडिविजुअल्स भी फिर वही होते हैं कि जो क्रिटिसिज्म होता है उनका जवाब अपनी परफॉर्मेंसेस से देते हैं। एज अ बड़ी यूनाइटेड होके खेली उन्होंने नेपाल के खिलाफ, जिस तरह स्टार्ट लिया उनके ओपनर्स ने, वहाँ से लगना शुरू हो गया था कि नहीं अपना गेम चेंज कर रहे हैं, ये खुल के खेलेंगे। देन पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जिस तरीके से वो खेले, वो मैच जो खेले, सबके सामने उनकी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है कि नहीं हम हैं। तो आई थिंक ये वो टीमें होती हैं जो अपने आप को उठाती हैं, और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब हमें नजर आनी चाहिए नेक्स्ट मैच, एंड देन इंशाल्लाह फिर फाइनल में नजर आनी चाहिए। और वी आर केपेबल, हम बहुत तगड़े हैं, हम बाउंस बैक बड़ा जबरदस्त करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, इंशाल्लाह ये सारे करेंगे, आई एम वेरी मच पॉजिटिव। हम वक्तन फवक्तन वाकई ये बात इसलिए टीम पाकिस्तान के लिए करते हैं कि वी नो देयर केपेबिलिटी, उस केपेबिलिटी पे पूरा उतरना और वो अग्रेशन सामने लाना वो बहुत जरूरी है। मे बी इट्स नॉट जस्ट द अग्रेशन, अंदर से भी आपको दिलेरी फील होनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, वो दिलेरी तो सामने ला के रखें, बिकॉज हम बहुत सीरियसली इस टैग को अपने साथ लेते हैं। व्हेन वी आर कॉर्नर टाइगर्स वी रोर बैक वेरी हार्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक दफ़ा जब हम लाइन पर चढ़ते हैं ना जी, तो हमारी टीम बहुत डेंजरस हो जाती है, ये हिस्ट्री है हमारी, और उसमें हमने काफ़ी मरतबा ये दिखाया, 92 के वर्ल्ड कप में दिखाया, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाली में दिखाया, तो इन सब में कैपेबिलिटी भी है और इन्होंने किया भी हुआ है, पास्ट में किया हुआ है, अच्छी टीमों के खिलाफ किया हुआ है, इन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी हाँ। वो सब अच्छी टीमों को जीत के ऊपर आए थे जी। और इसमें भी ये है कि कोई बुरा दिन आ सकता है, इसको बुरा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन हर प्लेयर को अपना पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर की ये होती है कि उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसने उसको भी मेनटेन रखना है, लोग उसको देख रहे होते हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप उस दिन पूछ रहे थे, वो कोई कह रहा है कि हम वही शाहीन की पहले ओवर में विकेट देखना चाहते हैं, बाबर आजम की सेंचुरी देखना चाहते हैं, तो ये रिस्पेक्ट है सब लोगों के अंदर बड़े प्लेयर्स की, और वो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स पे प्रेशर होता है, उन्होंने परफॉर्म करना होता है, लेकिन कोई बुरा दिन आ भी जाए तो उसको भुला देना चाहिए, नेक्स्ट डे अगला मैच अगली सीरीज़ ये सारी चीज़ें जहन में होनी चाहिए, और अपनी जो बेस्ट किया हुआ है उसको याद करें और आगे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को देख के साथ चलते हैं, जैसे हम लोग नए आए थे तो हमारे सामने जो बड़े प्लेयर थे हम उनको देख रहे होते थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखते थे, तो हमारे दिल में जहन में ये होता था कि हमने भी ऐसे खेलने की कोशिश करनी है।
वैसे द कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर और जूनियर वाली, उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे कि टीम में जरा वो गैप कम हो गया. मतलब जिस वक्त आप लोग आए थे, यू हैड सो मेनी सीनियर्स टू लुक आफ्टर यू, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो. नॉट जस्ट लुक आफ्टर यू, ऑफ द फील्ड ग्रूमिंग इतनी ज्यादा उन सीनियर्स की वजह से हुई थी. यहाँ पे वो गैप थोड़ा सा डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो वाला इम्पैक्ट आ सके. मतलब लाला, वेन यू केम इन, वसीम अकरम वॉज देयर, आप जब आए थे मुशी भाई, तब सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद थे टीम में पहले, उसके हवाले से बात करेंगे. बट इरम, कमिंग टू वर्ड यू, श्रीलंका की जो एशिया कप में टेम्पलेट रही है वो यही रही है कि ऊपर से पहले एक पार्टनरशिप लग जाए, मिडिल में पार्टनरशिप लग जाए, डाउन दी ऑर्डर. कल एक मिसिंग सिर्फ ये हुई कि ऊपर की जो पार्टनरशिप थी वो नहीं लग सकी, वरना तो मिडिल और डाउन दी ऑर्डर उन्होंने वो उसी तरह पार्टनरशिप लगाई जिस टेम्पलेट के थ्रू वो पूरे एशिया कप में चलते आ रहे थे. बिल्कुल सवेरा, अगर कल के मैच की बात की जाए तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और अवेयरनेस भी बहुत अच्छी थी दोनों टीम्स की. लेकिन सेम वही चीज़ के जीती वही टीम है जिसने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया है. जिस तरह के हर मैच में श्रीलंका की ऊपर से भी पार्टनरशिप लग रही थी और मिडल में भी और फिर नीचे आके भी, जिस तरह से आके वेला लागे सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है. जिस तरह कल आके उसने अपनी बैटिंग की अपनी क्लास दिखाई है, सिर्फ एक चांस के अलावा उसने इतना, उसके पास कंट्रोल था और उसको गैप्स का पता था, उसको फील्डर्स का पता था कि फील्डर कहाँ है, मैंने किधर गैप रख के. बस वही उसे गलती हुई कि सिंगल उसको नहीं लेना चाहिए था एंड पे. चलें एक्सपीरियंस अभी उसका कम है, लेकिन वही किया श्रीलंका ने जो ऊपर से एक पार्टनरशिप नहीं लगी. और लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो इंडिया के बॉलर्स को भी जाता है, जिस तरह से कुलदीप और इन सब ने बॉलिंग की है तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल, मतलब वो डिसिप्लिन जो आपको दिखा बॉलिंग में, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इन कंडीशंस में. बट मुशी भाई, टॉकिंग अबाउट दैट कॉम्बिनेशन जो मैं बात कर रही थी कि जब आप लोग आए थे तो आपके पास सीनियर्स थे, आपके सीनियर्स ने आपको इनफील्ड तो जो सपोर्ट करना था या बैड डे पे जिस तरह सपोर्ट करना था, मगर ऑफ द फील्ड सारी ग्रूमिंग का हिस्सा भी जो है वो आपके सीनियर्स ने वो रोल अदा किया. इस टीम में ऑलमोस्ट ठीक है, जूनियर सीनियर हैं बट सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट यंगर लॉट ही सारी एक साथ ऐसी है. ज़रा मुश्किल होता है, लगता है कि ज़रा टाइम इसलिए लेता है प्लेयर्स जल्दी ग्रूम होने में बिकॉज ये वाला गैप इतना ज़्यादा नहीं. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. हमारे कल ही बल्कि हम बात कर रहे थे शो के बाद, यूसुफ मैं और शाहिद बात कर रहे थे कि हम लकी इसलिए थे कि हमारे पास जो सीनियर प्लेयर थे ना वो हमारी ऑनरशिप भी लेते थे जी. मतलब हमको गलती, कई दफ़ा हमें गलत बात पे भी हम सही होते थे, हमें डांट देते थे, पर हमें ये पीछे एक चीज़ का पता था कि दे हैव बेटर माइंडसेट, ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं. जब आपको पता चल जाता है ना ये बंदे ने मुझे डांटता है या मेरे पीछे पड़ता है, बेहतर के जो नहीं बेहतर था ना, जो जेलसी में करते थे या उनको अपना पर्सनल, उसकी फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करते. आप रिस्पेक्ट उस बंदे की करते हैं जिसके पीछे पर्पज हो कि यार ये मुश्ताक को अच्छा बॉलर बनाना चाहता है, मुश्ताक को बताना चाहता है. मैं मिसाल के तौर पर एक बात करता हूँ, वसीम भाई से दोस्ती भी है, चाहे जैसी मर्जी हम खेलें, कप्तान थे, मैं प्रैक्टिस से लेट आया, 15 मिनट लेट आया प्रैक्टिस पे, तो मुझे कहा क्या कहाँ पे क्या हुआ मुशी, तो प्रैक्टिस के बाद ये बात की अकेले में. उन दिनों में अच्छा शुक्र अल्लाह का विकेट मिल रही थी, तो मैंने कहा मैंने नई गाड़ी लेनी थी और नई गाड़ी के लेते हुए मुझे थोड़े डॉक्यूमेंट साइन करते हुए लेट हो गया. तो जब मैं उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कौन सी गाड़ी ली, खैर लंबी स्टोरी आई विल कट इट शॉर्ट, उन्होंने कहा कि कौन सी गाड़ी ली, मैंने कहा ये फलां फलां गाड़ी ली, तो कहते हैं एक मेरी बात याद रखना जी, ये आज भी मुझे बात याद है, ये सीनियर प्लेयरों का रोल होता है, दोस्तों का रोल होता है, तो टेल ईच अदर गुड एंड बैड थिंग्स इन सेम टाइम. मुझे उसने, वसीम भाई ने कहा कि मुशी यहाँ पे 15 मिनट पहले आओगे ना तो गाड़ियाँ खरीदोगे, यहाँ पे 15 मिनट लेट आओगे एक गाड़ी को मैनेज करते हुए जिंदगी गुजार दोगे. इंजी ने मुझे सिडनी में मुझे कहा था, मैच आ रहे बी मीटिंग हुई कि सबके सामने कह दिया कि मुश्री ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, मुश्री अगर अच्छी बॉलिंग करते तो हम जीत जाते. कितना हर्टिंग था मेरे लिए, बट इट वॉज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, यू वॉज ऑनेस्टी थी. yes. अच्छा ये इस ऑनेस्टी को मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसको पिकअप कर उससे हुआ क्या कि मैंने अगले दिन जाके 2 दिन मैच से पहले प्रैक्टिस लंबी की, लंबे लंबे स्पेल किए, क्या हुआ अगले मैच में अल्लाह का शुक्र ऑलमोस्ट आई वॉज अ मैन ऑफ द मैच. ऑलमोस्ट का मतलब कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसके पीछे पीछे का लॉजिक होती. कई दफा इस ग्रुप के साथ आप जो साइकोलॉजिस्ट भेजे हुए हैं, यहाँ पे कोचिंग का, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल होता है. टू टॉक टू बाबर आजम, इवन बाबर आजम को हम कहते हैं कितना बड़ा प्लेयर, शाहिद कितना बड़ा, यूसुफ कितना बड़ा, वसीम भाई कितने बड़े प्लेयर हैं, वकार यूनुस कितना बड़ा, दे स्टिल नीड बैकिंग, स्टिल नीड रिमाइंडर्स.
इंसानी फितरत है, इंसान है ना, इंसान है। विराट कोहली को 1.5 साल कुछ नहीं पता चला, ही टुक ए ब्रेक। अच्छा वो ब्रेक लेने के बाद वापस आया ना, बिल्कुल। अब उसको भी नहीं पता चल रहा था कि मेरा बल्ला कैसे आ रहा है। यूसुफ उसने कितनी अच्छी बात बता रहा था कि इनके बैट ऐसे आ रहे हैं। जो मैनेजमेंट में ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं उनका काम होता है कि टॉस जीत के बैटिंग करनी है पहले की नहीं करनी। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, पर्पस जब आपका क्लियर होता है ना, जब आप माइंडसेट से कि टीम डेवलप कर रहे होते हो, बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ी कर रहे होते हो, होता है क्या है, जमान आपका स्लिंगी एक्शन का बॉलर आपने खेलना है, आप उसको 22 अगर बंदे पीसीबी के जा सकते हैं, व्हाई नॉट 3 बंदे एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस के लिए ले जाएं, साथ ही तो है इतना। वैसे जमान खान आपने बात की, जमान खान हैज रीच्ड कोलंबो बिकॉज वो रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो बुलाए गए हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह के लिए। धानी का क्योंकि अभी तक वीजा नहीं लगा हुआ था तो धानी कोलंबो नहीं पहुंचे, उनका वीजा प्रोसेस जब हो जाएगा सो ही विल कम टू कोलंबो। हसन अली फिट नहीं है, नहीं उसकी उंगली का था, हसन अली अभी रिहैब में थे, नहीं मगर शायद लास्ट भी अभी मैंने इस तरह की जो पिचेस है ना, इस तरह की पिचेस पे मेरी पहली चॉइस हसन अली होगा क्योंकि वो लेंथ पे लाके मारता है, बड़ी अच्छी एरिया पे वो लड़का गेन कर। अच्छा शायद उसके बाद आप कुलदीप को खेलना आपने, आपको पता है ना, मतलब आप कप्तान हो या आप मैनेजमेंट हो, आपको पता है कि आपने कुलदीप को खेलना है, आपने मिस्ट्री स्पिनर है श्रीलंका को उसको खेलना है, आपके पास अबरार है, आपके पास फैसल अकरम है, पाकिस्तान डोमेस्टिक लीग में 2-3 स्पिनर है, टेक देम विद यू, उनको साथ लेके जाएं, प्रैक्टिस कराएं नेट में, आने वाले टाइम पे उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको भी प्रैक्टिस मिल रही है, आपने पिचेस को भी सामने इस्तेमाल किया है, दोज आर द थिंग्स रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अभी इट्स मैटर। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई हैव सीन जो हम बात करते ना, देखे अगर हम इंडिया की प्रोसेस की बात करते हैं, यस देयर प्रोसेस इज वेरी गुड, इसलिए वो वापस खड़ी हो जाती टीम, डाउन एंड आउट एक टीम थी और इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। इट इज द प्रोसेस दैट दे टेक सीरियस, क्योंकि नेट बॉलर्स की बात करें लाला, हम यूएस जब ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया ने खेला और वो गाबा का एक पूरा एक मुझे एक सिलसिला हुआ, दे हैड देयर नेट बॉलर्स बोलिंग इन दैट मैच, नटराजन एक उनके फास्ट बॉलर जो कि नेट में बोलिंग कर रहे थे बट उसका इतना हाई स्काई रॉकेट कॉन्फिडेंस था कि वो मैच में आके खेला और गाबा में हरा गया ऑस्ट्रेलिया को। हम ऐसा कॉन्फिडेंस, जिनको कॉन्फिडेंस होता भी उनको कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं। मैं मुशी भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी एशिया कप की, कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, पिचेस प्रॉपर होंगी नहीं, टर्न होगा, ग्रिप होगा, वाई नॉट ले जाओ ना यार अपने साथ, कितना खर्चा आता है, क्या होता है, तैयारी अच्छी हो जाएगी हमारे बैट्समैन की, उन्हें फेस करना है। और मेरे ख्याल में यूसुफ ने भी बताया कि टेक्निकल चीज़ें हैं हमारी टीम के अंदर, इसने खुद भी अपने होते होते बहुत सारी चीज़ों बैट्समैनों को ठीक कराया, तो हमें ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप पूरे प्रिपरेशन के साथ जब आप जाते हो ना, पूरी तैयारी की होती है आपने, फिर परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग चीज है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने यार पूरी मेहनत की, पूरी तैयारी के साथ मैं गया था। आपका अपना होमवर्क होना चाहिए, पूरा आगे रिजल्ट्स तो हम हमेशा कहते हैं कि वो दैट इज समथिंग दैट डिवाइन फोर्स वुड डिसाइड कि रिजल्ट्स क्या होने, बट आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होने चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जहां हम वेला लागे की बहुत बात कर रहे हैं, वेला लागे ने कल एक इंटरव्यू दिया, पोस्ट मैच इंटरव्यू था, वो सुनना बहुत जरूरी है कि क्या प्रोसेस है उस छोटे से लड़के का हु हैज जस्ट टर्न 20 and the kind of confidence that he showed in the center with bowling and batting after the short break. Welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special discussion hamari ho rahi hai jo kal match khela gaya India versus Sri Lanka jahan India ne 41 runs se jeet hasil ki but saath hi saath the potential of team Sri Lanka because hamara focus rahega ab टीम श्रीलंका के ऊपर एंड टीम पाकिस्तान के ऊपर बिकॉज पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है टीम श्रीलंका के अगेंस्ट विच वुड बी अ मस्ट विन फॉर टीम पाकिस्तान। सो क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही श्रीलंका के, बॉलर्स ने किस तरह बॉलिंग की, बैटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह का उनके ऑर्डर में किस तरह वो अपनी पार्टनरशिप्स बिल्ड करते हैं जो लैकिंग टीम पाकिस्तान में ज़रूर नज़र आती है, उस हवाले से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। बट बिफोर दैट आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स, आपने देना एक आसान से सवाल का जवाब और वो जवाब आप जैसे ही सही जवाब देंगे आप हो सकते हैं वो लकी विनर जिसको मिले स्मार्टफोन स्पार्क्स की तरफ से। सो कल का सवाल हमने क्या पूछा था और कौन है हमारे आज के वो लकी विनर वो बताते चलें। सो कल का सवाल था, वनडे की हिस्ट्री में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा रन का टारगेट अचीव किया था, वनडे हिस्ट्री में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा रन्स का टारगेट अचीव किया था और जवाब है इसका साउथ अफ्रीका ने 434 रन्स बनाए थे, कोई छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट नहीं, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2006।
और आज के जो हमारे विनर हैं उनका नाम है, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि अलग अलग शहरों से हमारे विनर्स आ रहे हैं। सो आज के हमारे विनर हैं सखर से और उनका नाम है साजिद अली। सो साजिद अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस सही जवाब देने के लिए। साउथ अफ्रीका 433 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2006 और सखर से साजिद अली साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और साजिद अली साहब को क्या मिल रहा है कौन बता रहा है? साजिद अली साहब कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, यू आर द विनर ऑफ स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स S3। क्या बात है, इसको यूज़ करें और हमें फीडबैक देखें और वीडियो भिजवाएं ताकि हम भी खुश हों कि आपके तक फ़ोन पहुंच चुका है। थैंक यू, बिल्कुल जी। सो साजिद अली साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आज का क्या सवाल है वो नोट कर लीजिए, आज का स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन का क्या सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। ODI हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज किस बोलर के पास है? दैट वुड बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ODI हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज किस बोलर के पास है? जल्दी से उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए 03177707174 पर। जल्दी से मोबाइल उठाइए और मैसेज कीजिए 03177707174 पर। सो यस, ये तो स्पार्क्स के इनामात हैं। मैंने जब शो शुरू हुआ था तो उस वक्त आपसे बात की थी कि कुछ और सरप्राइजेस भी हमने प्लान किए हैं यहाँ पे। ये अगर नंबर चलना बंद हो जाए और मैं दिखने लगूँ तो मैं बात करूँ। यस, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि और भी कुछ सरप्राइजेस हैं जो आपको मैंने बताया कि जोर का जोड़ पे यहाँ मिलेंगे और वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त, और वो कहते हैं ना इंडिविजुअल सरप्राइजेस ऐसे हैं कि वो आपके लिए कस्टमाइज्ड होंगे और आप वो जीत सकेंगे। मगर अभी भी आपको इंतज़ार करना है क्योंकि अगली ब्रेक में वी विल टेल अबाउट दिस। बट मूविंग ऑन फर्दर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। श्रीलंका और इंडिया की बात कर रहे थे यूसुफ। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ टीम श्रीलंका? वेयर डिड दे लूज द प्लॉट? एक्चुअली यू डिड आस्क वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई एम नॉट रेडी टुडे ओके टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि मैसी अपनी लैंग्वेज में बात करता है, रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन हमारे मैसी इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे मैसी, यही तो सारा मैस है। मैस अबाउट मैसी, यही है ना। ऑब्वियसली, मतलब मैं बाकी एक बात वैसे ये आपसे मुशी भाई, लाला, इरम, आप लोगों से भी ये जानना चाहती हूँ, द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सही है, नहीं बोल रहे अंग्रेजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल अगर मैं बाबर आजम की बात करूँ, अगर कल नहीं परसों जब पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा है एंड इफ द होस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम ही कैन स्पीक इन हिंदी और उर्दू, तो क्यों उर्दू में बात नहीं कर सकते? ये किसकी जॉब होनी चाहिए जाके बताएं कि भाई उर्दू में बात करें? क्या हो गया? इंटरनेशनल बीम है तो होगी इंटरनेशनल बीम, सबटाइटल्स चला देना बाद में। नहीं हमारा प्लेयर कंफर्टेबल बात करने में इंग्लिश। आई थिंक शायद आप बोलोगे, पहले मैं जाऊं? पहले आप, प्लीज। अच्छा, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। जिस तरह ये अभी हमने थोड़ा सा फन एलिमेंट में तो किया है, अब यूसुफ जो अपनी लैंग्वेज में, मुश्ताक अहमद, शाहिद खान अफरीदी, जो बंदे जो एक्सपर्ट नहीं है, बाबर आजम हमारा एक आइकॉन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिकेटर सो फार इन द मोमेंट, अल्लाह उसको नजर बस से बचाए और पाकिस्तान को सर्विसेज करे, ही स्पीक्स वेल ऑल्सो, पर अपनी लैंग्वेज में वो अपने तरीके से एक्सप्रेस ज़्यादा कर सकता है, मैच के बारे में ज़्यादा बता सकता है, गलतियाँ कहाँ हुई कहाँ हुई, कई दफ़ा दूसरी लैंग्वेज की वजह से थिंग्स कैन गो अगेंस्ट हिम, बेसिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता ना अपना, लैंग्वेज का है बैरियर तो है। अब ये जो आपने कहा है कि बीच में एक मैंने टाइम देखा था कि बाबर जब आता था इंटरव्यू के लिए इंग्लैंड में या कहीं पे भी, तो वो उसके साथ जो मीडिया मैनेजर होता था वो होता था, वो फिर रिप्लाई करता था, इंटरप्रेटर होता था। अब ये होना कोई शर्म की बात नहीं, एज यू सेड मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हो गए हैं, क्या बेन मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होता है, बड़े बड़े ऐसे पेजेंट्स होते हैं जिसमें साथ इंटरप्रेटर। आई थिंक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम बीइंग एज ए पाकिस्तानी, जो मैं हमेशा एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि उस कौमों को, उस उन कौमों को हराना बहुत मुश्किल होता है जो अपनी सकाफत के ऊपर
और अपने कल्चर के ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं, उनको हराना बड़ा मुश्किल होता है। चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल, आपको चाइनीज लिखी हुई दिखती है हर जगह, दे आर देयर ओन प्लेटफॉर्म। उनके प्रेसिडेंट को देखें जी आप, अपनी जबान में बात करते हैं, बिल्कुल। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि बाबर को आई थिंक ही शुड स्पीक्स इन उर्दू, उर्दू में बात करें और उर्दू में बात करके अपने एक्सप्रेस करें पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, उसका बैट है, उसके रन्स हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है और उसको कोई नहीं छीन सकता। बल्ले से बोलता है, बल्ला से बोलता है वो, तो आई थिंक वो बोलना जरूरी है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है नहीं आती, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये तो मुशीबा, ये तो बाबर की मैं तो नहीं कहूंगा कि गलती है, आपका मीडिया मैनेजर का काम होना चाहिए कि उनसे बात करे, वो भी हिंदी में बात करते हैं ना, संजय वगैरह, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो भाई आप उससे कहें कि हिंदी में बात करें, ताकि वो अपनी दिल की बात तो बता सके कि क्या करना चाह रहे थे, क्या प्लान था। वो इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल, आराम से बता। इवन कि मैं अगर अपने फाउंडेशन के इवेंट्स पे जाता हूँ कनाडा अमेरिका, मेरे सामने बहुत सारे गोरे बैठे हुए होते हैं, मेरा सीईओ आके फिर मेरी दिल की बात शेयर कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन के काम मैं अपने दिल से करता हूँ, तो दिल की जबान अलग है। ऊपर वाली बातें तो इंग्लिश में हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों को आप इंग्लिश में नहीं बता सकते, जो दिल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मेरा सीईओ कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता है, वो आता है स्टेज पे, वो क्लियर कर देता है, बता देता है, खत्म। तो इसमें शर्म कहीं नहीं होनी चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए अपनी जबान पे, अपने कल्चर पे, जिस तरह मुशी भाई बात कर रहे हैं। और बाबर की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्रिकेट एकेडमी जो होती है ना, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, यहाँ पे होनी चाहिए क्रिकेट के साथ साथ बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए। आओ यार, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो बाबर, और क्रिकेट की जो जबान है इंग्लिश है वो बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। तो 6 महीने 8 महीने रेगुलर एक एक घंटे की अगर क्लास ली जाए तो मेरे ख्याल में तो और खूबसूरत नजर आएगा चीज, और इसलिए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो फिर उसमें रहो या फिर इसमें रहो, आधे आधे में ना रहो। कॉन्फिडेंट अगर आप सही में भी हो तो आप बोलें और आप पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आपने नहीं सही बोलना तो गलत बोलने से बेहतर है अपनी जबान में आप कंप्लीट उसको एक्सप्रेस कर सकें। बट जहां एक्सप्रेशन की बात हो रही है, द काइंड ऑफ एक्सप्रेस वेला लागे डिड यस्टरडे, कल जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज, मतलब वो कॉन्फिडेंस इतना एविडेंट उनकी बोलिंग में भी था, उनकी बैटिंग में भी था, और जब उन्होंने बात की जब ब्रॉडकास्टर्स से उन्होंने डिस्कशन की तो वो उसमें भी एविडेंट था। उस पर नजर डालते हैं और फिर उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। Have so many experienced players, so they did really well. So unfortunately today we lost the match. So we have another one game, so we want to give a good fight. I try to play my normal game and positive betting. Small age I did so many hard work and positive mindset. Especially I want to thank my teammates and coaching staff. They gave me a great support. So thank you. Hard luck and positive mindset is the key for what Vela Lage did yesterday. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जाएंगे ब्रेक पर, और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो याद रखिएगा वो स्पेशल इनामात का भी यहाँ पे होगी अनाउंसमेंट, उनके भी पूछे जाएंगे सवाल और बहुत सारी डिस्कशन होगी पाकिस्तान टीम को फोकस में रखते हुए कि अब श्रीलंका के अगेंस्ट किस स्ट्रैटेजी प्लान से टीम पाकिस्तान को उतरना चाहिए आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल, और ये एडिशन जो आपको दिख रहे हैं हमारे सेट में इस वक्त, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त दिख रही हैं ये जर्सीज, दोज आर स्पेशली ऑटोग्राफ्ड साइंड बाय मुश्ताक अहमद, शाहिद खान आफरीदी एंड मोहम्मद यूसुफ। सो यस, ये जो जर्सीज हैं, दिस इज द स्पेशल प्राइज एंड दिस इज द स्पेशल कस्टमाइज गिफ्ट फॉर यू ऑल, और इसके लिए कुछ ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करवाएंगे हम आपसे। आसान से सवाल हैं, तीनों से रिलेटेड, इन सवालों के देने हैं आपने जवाब, और जब इन सवालों के सही जवाब आप लोग देंगे सो यस, आप लोग जीत सकेंगे दीज साइंड जर्सी। एंड नॉट जस्ट जीत सकेंगे, फाइनल वाले दिन यहाँ हमारे पास सेट पर मौजूद होंगे और हमारे इन लेजेंड्स के हाथों से आप ये गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। सो दीज आर द जर्सीज स्पेशली साइंड फॉर यू फ्रॉम आर लेजेंड्स विद लव। और सवालों का सिलसिला क्या शुरू किया जाए, अभी से पूछा जाए सवाल, क्या कहते हैं आप लोग? आई थिंक जरूरी है ये, आई थिंक अगर उनको ये इतना अच्छे प्राइज मिलेंगे इंशाल्लाह तो आई थिंक उनको जल्दी से क्वेश्चन बताएं ताकि वो तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल जी, चले जी तैयारी शुरू कर दें, पेन रखें तैयार या रिकॉर्ड करना है इसको, ये सवाल क्या है और क्या नहीं है। सो सबसे पहला सवाल, अगर आपको ये जर्सी नंबर 10 चाहिए यानी शाहिद खान आफरीदी की जर्सी, सो उसके लिए सवाल क्या है, गौर से नोट कीजिएगा। सो जी,
शाहिद आफरीदी ने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले किस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी की थी? पाकिस्तान की इंटरनेशनल डेब्यू से पहले शाहिद खान आफरीदी किस डिपार्टमेंट से खेलते थे? ये सवाल है आप लोगों के लिए, शायद जिसका बड़ा मुश्किल होगा कि गूगल पर सर्च करें। अब देखते हैं कौन है वो डाई हार्ट फैन लाला का जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। सो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि इंटरनेशनल डेब्यू से पहले शाहिद खान आफरीदी डोमेस्टिक में किस डिपार्टमेंट से खेलते थे, किस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते थे। अगला सवाल आता है जनाब मोहम्मद यूसुफ के लिए। सो जिसको मोहम्मद यूसुफ की जर्सी चाहिए वो इस सवाल का जवाब दे सकता है जी। तो सवाल ये है, मोहम्मद यूसुफ ने कितने टेस्ट मैचेस में कितनी सेंचुरीज बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? मोहम्मद यूसुफ ने कितने टेस्ट मैचेस में कितनी सेंचुरीज बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? तो जिसको चाहिए ये जर्सी, द 13 नंबर जर्सी, वो जर्सी जो है आप हाजिर, ये जो जर्सी मेरे पीछे लगी हुई है, ये जर्सी जो है ये आपको मिल सकती है अगर आप सही सवाल का जवाब देंगे। मूविंग ऑन फर्दर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जी, मुश्ताक अहमद की जर्सी जिसको चाहिए जो वहां लगी हुई है नंबर 9, सो वी हैव 9, 10 and 13 विद अस। नंबर 9 जर्सी के लिए मुश्ताक अहमद साहब की साइंड विद लव फॉर यू ऑल। सवाल है जी, मुश्ताक 1992 में वर्ल्ड कप फाइनल में मुश्ताक अहमद ने गूगली पर ग्राम हिक को आउट किया था, मगर उस ओवर में उन्होंने कितनी गूगली बॉल्स करवाई थी? खतरनाक सवाल है, मगर यस, जो वो कहते हैं ना क्रिकेट फैनेटिक जो है, या जो 1992 हमारे लिए एक ऐसा इवेंट है जिसको शायद हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। दैट इज वन क्रिकेटिंग इवेंट जो हमारा माइलस्टोन, जो कहते हैं ना गाड़ के लिख दिया गया है हमारी माइलस्टोन हिस्ट्री में। सो यस, 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मुश्ताक अहमद ने गूगली पर ग्राम हिक को आउट किया था, उस ओवर में उन्होंने कितनी गूगली बॉल्स करवाई थी? ये शर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त मुशी भाई की बैकग्राउंड में, ये शर्ट मौजूद है नंबर 9 साइंड बाय मुश्ताक अहमद विद लव फॉर ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से जनाब इसके सवालों के जवाब ढूंढिए, क्योंकि जो है आप हो सकते हैं वो लकी विनर जो कि फाइनल वाले दिन यहाँ हमारे सेट पे आएगा, हमारे सेट पे मौजूद होगा और हमारे लेजेंड्स के हाथों से ये जर्सी एक्सेप्ट करेगा। सो यस, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। वी आर वेरी जेनरस एंड वी वांट आवर व्यूअर्स टू बी ऑल हैप्पी। तो यस, खुशियाँ बांटने की बहुत कोशिश करते हैं हम यहाँ, एंड आई होप आप खुश हों। मूविंग ऑन फर्दर डिस्कशन, अब आगे बढ़ाते हैं और ज़रा क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। यूसुफ, एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, अब मैं उर्दू में पूछती हूँ वो सवाल। क्या था टर्निंग पॉइंट कल, अगर टीम श्रीलंका की बात करें? श्रीलंका ठीक है, स्टार्ट ऐसा अच्छा नहीं मिला था, बट दे केम इन द गेम अगेन और उन्होंने जिस तरह कैपिटलाइज किया मिडल में, उसके बाद कुछ रन शॉर्ट रह गए और उसके बाद और ज़्यादा रन शॉर्ट होते होते 41 तक ये रन शॉर्ट रह गए। देखिए, जो बड़ी टीम होती है ना, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खेल रहे हैं, किस टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, होम खेल रहे हैं, अवे खेल रहे हैं। इंडिया बड़ी टीम है और एक तो ये कि टॉस जीत के उनको बहुत एज मिल गया था, जो उन्होंने अक्षर पटेल को डाला, इसका मतलब है कि विकेट टर्निंग है और रीड अच्छा किया उन्होंने, उस विकेट से उन्होंने फ़ायदा उठाया। टॉस जीत के सही डिसीजन करना भी तो ज़रूरी है। उन्होंने रीड की सही कि विकेट में टर्न होगा और उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाला अपना ऑलराउंडर निकाल के। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है कि शायद श्रीलंका और करीब चली जाती, जहां उनका वो एक ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है, क्या नाम है, जिस मिड विकेट पे मिड ऑन पे आउट हुआ था, नहीं मिड ऑन पे आउट हुआ है वो, उसने 100 भी किया था पीछे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। मैं बताऊँ, असल अंका नहीं, नहीं महिला जयवर्धन, नहीं नहीं मुझे भाई आपके लिए नाम ले रहे थे हम, नहीं नहीं वो उसने महल 45 या 40 रन किए थे, मिड ऑन पे आउट हुआ है। सिल्वा, डी सिल्वा, कौन, सॉरी तो नाम दे दिए, ऊपर से बता देती हूँ मैं जी, निशांका करुणा रत्न ने ओपनिंग की थी, कुसाल मेंडिस तीसरे नंबर पे आए, उसके बाद आ गए जी सदीरा, समीरा विक्रमा, उसके बाद असलंका आ गए, असलंका के बाद डिसिल्वा, डिसिल्वा के बाद द कैप्टन दसुन शनाका। डिसिल्वा का क्या पूरा नाम है वो बताए, पूरा मतलब आप मेरा धनंजया डिसिल्वा, धनंजया, ये मिड ऑन पे आउट, पूरा नाम तो चार नाम है उनके बहुत सारे। अगर ये थोड़ा सा और आगे जाता तो इंडिया को मुश्किल हो सकती थी। ये थोड़ा सा डेंजरस प्लेयर है, ये इधर बहुत अच्छा खेलता है, मैंने इसे टेस्ट में भी देखा था, इसने टेस्ट में हमारे खिलाफ 100 किया था लास्ट ईयर,
तो ये थोड़ा और जाता तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को मुश्किल हो सकती थी। साहब वाला गेला अच्छा खेल रहा था इसके साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों ने जो स्वीप शॉट्स खेली हैं, अंदर भी खेली हैं और जो स्लॉग स्वीप है, क्योंकि वहाँ आजकल फील्डर नहीं होता, क्योंकि पांच फील्डर जब से अंदर आए हैं तो जो लेग स्पिनर होता है या लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है वो मिड विकेट निकाल लेता है, तो उन्होंने स्लॉग स्वीप भी उधर अच्छी खेली है, तो उससे वो मैच के अंदर भी रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने उनको टफ टाइम भी दिया इंडिया को। एक दफ़ा उन्हें लगा था कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ जब ये आउट हुआ है धांजिया, वहाँ मुझे लग रहा है कि मैच उनके हाथ से नहीं, क्योंकि एक साइड से फिर आपके टेल एंडर शुरू हो गए थे। तो ये यंग लड़का है, 19-20 साल का है वलेगेला, लेकिन उसने जो स्पीच की है बाद में वो बड़ी अच्छी चीज़ थी उसमें, जो उसने कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हार्ड वर्क भी और पॉजिटिव माइंडसेट। टैलेंट उसके पास है, अल्लाह ने सलाहियत उसको दी है, लेकिन ये दो चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो फोकस गेम में हर वक्त रहे। ये सबसे ज़रूरी है, इनको आप जितना इजी या फॉर ग्रांटेड लेंगे एक टाइम आएगा आप उससे दूर होते जाएंगे। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना फोकस रहेंगे, पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे, तो जो यंगस्टर भी आते हैं, ठीक है उसने सिंगल कर ली जब टेल आई है क्योंकि अभी यंग है, ये दिमाग आते आते थोड़ा टाइम लगेगा पड़ेगा, लेकिन ऐसे लड़के जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल लाला, फील्डिंग की बात की, फील्डिंग दोनों तरफ से जो है वो एक फाइटिंग फील्ड दिखी आपको, अपटाइट फील्डिंग दिखी, फील्ड से डरा के रखा गया बैटर्स को। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि टीम इंडिया ने भी जिस तरह फील्ड सेटल किया, टीम श्रीलंका ने भी जिस तरह फील्ड सेटल किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम फील्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे इतना, मतलब अच्छी फील्डिंग बुरी फील्डिंग वो बात की बात है, बट फील्डिंग से अटैक करना, वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लान ही नहीं है, खासतौर पर जब नए बैट्समैन आते हैं तो फील्डिंग जो है ना बिल्कुल बैट्समैन के ऊपर जब चढ़ती है तो बैट्समैन को भी नजर आ रहे होते हैं कि सारे मेरे पे चढ़ रहे हैं, सिंगल निकालना मुश्किल हो रहा है। बैट्समैन के ऊपर तो सबसे जबरदस्त अटैक है कि उसके ऊपर सिंगल ना दो उसको। कुछ प्लेयर हैं जो सिंगल लेके अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कुछ होते हैं जो बाउंड्री मार के कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग से जो अटैक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ में बॉलर बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। आपने स्लिप लगाई रखी इंडिया के मैच में भी, श्रीलंकन्स ने भी लगाई रखी, सबसे बड़ा प्रेशर इस तरह के पिच के ऊपर रहते ही रहते हैं, और बॉल निकलते जहाँ अच्छा ग्रिप ले रहा हो और अच्छा शार्प टर्न हो रहा हो वहाँ पे स्लिप का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही बैट्समैन के ऊपर उसके पास उस कोई चॉइस होती नहीं कि आपको सर्कल में सिंगल भी नहीं मिल रहा तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है बड़े शॉट मारने की, विकेट लेते हो। अच्छा वैसे अब इरम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फोकस है कि कल पाकिस्तान का मुकाबला होना है श्रीलंका से, हमारे पास दो सैंपल्स हैं पिचेस के। एक वो पिच थी जो इंडिया के खिलाफ हमने जिस पे खेला, दैट वाज अ एंटायरली डिफरेंट पिच। कल जो पिच थी वो एक डिफरेंट पिच थी जिस पे इंडिया और श्रीलंका ने खेला। मतलब इफ आई वुड आस्क यू व्हाट पिच वुड यू प्रेफर फॉर टीम पाकिस्तान, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखकर तो सही है बट बैटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखकर? मुझे लगता है कि मुझे जैसा लगता है कि जो कल विकेट थी वही विकेट होगी शायद पाकिस्तान के लिए, और वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हमारी टीम अभी जो बिल्कुल साफ बात है थोड़ा स्ट्रगल कर रही है स्पिनर्स पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको चांस देना चाहिए पाकिस्तान टीम में, और वो खेलें, बेशक थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा कि आगे वर्ल्ड कप के लिए भी हमारी टीम कैसे प्रेशर हैंडल करती है। तो मुझे लगता है कि जो कल वाली विकेट थी वही होगी, अगर बाबर आजम ने अच्छे प्लान से अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग चेंजेस, और अगर हमारे स्पिनर्स अच्छे अप टू द मार्क उनकी बॉलिंग रही, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ईजिली जीत जाएगा। बेंच स्ट्रेंथ को चांस देना चाहिए, मुझे भाई क्या लगता है कि क्या चांस मिलेगा बेंच स्ट्रेंथ को, बिकॉज जिस माइंडसेट से इस वक्त टीम पाकिस्तान चल रही है, हाँ फोर्स चेंजेस तो शायद ज़रूर हो सकते हैं कि शायद हारिस को अब कहें कि नहीं जी नो मोर चांसेस, नसीम को कहें नो मोर चांसेस, मगर उसके अलावा क्या चेंजेस हो सकते हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कल बात करना भूल गए थे, देम नॉट कमिंग फॉर बैटिंग, वॉज दैट अ गुड डिसीजन? आई डोंट थिंक सो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपने जाके इंजरी आपकी वो एग्रीवेट नहीं हो सकती जब तक आप बहुत ज़्यादा चलाने ना शुरू कर दो। शहीन आपका सूजी हुई उंगली से खेला है मेरा ख्याल है, कल उसकी भी उंगली पे चोट लगी हुई थी, ही केम एंड बैट, ही प्लेड वेरी अग्रेसिव, उसने छक्का भी मारा जाके। अब आपके साथ जब शहीन खेलते हैं ना तो आपने फाइट आउट करनी होती है, 10 विकेटों से आप आ जाके 10 विकेटों को जाके खेलना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, फैसलाबाद टेस्ट मैच में उसका सलीम मलिक का हाथ टूट गया था, उन्होंने प्लस्तर हटा पूरा बांध के उस जाके वसीम भाई के साथ पार्टनरशिप लगा दी थी
और वो पार्टनरशिप क्या थी, 30-35 रन की पार्टनरशिप थी और वो मैच विनिंग हो गई थी. एक्चुअली सम टाइम पता है क्या होता है, मैच तो आप नहीं जीत रहे मगर वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, वो आपकी टीम को यूनाइटेड भी कर देती है और लड़कों को दिलों में आपकी इज्जत भी बढ़ा देती है. आई एम देखे, हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी इंजरी है बेचारों को, ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और करेंगे इंशाल्लाह ताला. ये जो देखे ना, उसका जो रिपोर्ट आई थी, एमआरआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगा था कि टेयर नहीं है, मगर आप जाके सिर्फ ब्लॉक करें और शहीन को चांस दें, शहीन मारता है. अगर शहीन के 2-3 छक्के लग जाते हैं तो शहीन आपको सेमीफाइनल फाइनल में अगर जाके आपको बैटिंग में एडवांटेज दे सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बॉलिंग में अच्छा और हो सकता है. सो यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. और सबसे बड़ी मॉरली, यू नो, यू रिस्पेक्ट दिस गेम, दिस गेम विल रिस्पेक्ट यू फॉर एवर. ये अल्लाह का निज़ाम है, कहते हैं ना अपनी रोजी से बंदे को ऑनेस्ट रहना चाहिए, तो ये हमारी रोजी है. आई थिंक मैं ये बहुत ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हमारे बहुत अच्छे लड़के हैं, इन्होंने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं. एक मैच से हम इनको जज नहीं बन रहे इनके, यू नो दे आर वेरी वेरी गुड क्रिकेटर्स, यू नो दे विल लूज, दे विल विन, बट फाइटिंग जो पूरी कॉम कहती है, जो पूरे एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि प्लीज़ फाइट, लड़के हारे कोई मसला नहीं. तो आई थिंक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस पे. और दूसरा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बेंच स्ट्रेंथ का, अब देखें आप नसीम और हारिस लगते तो नहीं है खेलेंगे, टू बी ऑनेस्ट. और कल एक और जो चेंज हम देख सकते हैं, अगेन अ फोर्स चेंज, मे बी सलमान अली आगा वुड नॉट बी प्लेइंग इस पर, बिकॉज वो उनको जो है जो लगी थी बॉल अभी, मे बी ही'ड बी स्टेड बैक फॉर दैट. So, yes, Saud Shakeel का चांस फिर हमें बनता हुआ. अच्छा, ये कई दफ़ा ना, आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट नेगेटिव, अल्लाह किसी को भी कोई तकलीफ ना आने दे, पर इंजरीज हैं, अल्लाह इनको जल्दी सेहत करे. कई दफ़ा ये जो छोटी छोटी इंजरीज आती हैं ना, ये कई दफ़ा आप वैसे तो बेंच स्ट्रेंथ को तैयार नहीं होते खिलाने के लिए कभी, अब ये चॉइस कोई नहीं है. अब आप देखिएगा कि बेंच स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा आपको. बेंच स्ट्रेंथ का कई दफा ये ना ब्लेसिंग भी होती है अल्लाह की तरफ से, कहना नहीं चाहिए. कहते हैं ना ये हदीस है जिसका अल्फाज है कि बीमारी कई दफा आपके लिए बायस रहमत बन के आती है, हमें नहीं नजर नहीं आती. तो सही कई दफा ये चीजें छोटी छोटी जो होती है ना, ये जिस तरह सऊद शकील खेलेगा कल और उसकी जगह जमान खेलेगा, उसके 2-3 लड़के खेलेंगे, अब ये खेलने से क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि वेयर वी आर बेसिकली. ये चाहे वो स्कोर ना करें चाहे विकेट ना ले, पर हमें उनके टेम्परामेंट का, उनके इंटेंट का पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि आपने एक मैच से जज तो नहीं बनना किसी का, एक मैच में कोई प्लेयर तो दिखाता नहीं, मगर उसके इंटेंट से, उसके खेलने से पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत इफेक्टिव हो सकता है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी. वो वाकई कहना नहीं चाहिए, मगर जिस तरह हम अपनी बेंच को बिल्कुल मौका ही नहीं देते, हमारे मेन लड़के शायद वो जगह नहीं बनाते या मैनेजमेंट जगह नहीं बनाती है, तो इवेंचुअली शायद इंजरी का ही इंतजार करना पड़ता है. मतलब ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड नॉट से, बट ये मुसीबत हमारे यहाँ, मसला सबसे बड़ा ये है कि ये चांस जो बेंच स्ट्रेंथ को नहीं मिलता, रोटेशन पॉलिसी हमारी बहुत बुरी है कि हाँ जी कोई इंजर्ड होगा तो बेंच से कोई उठकर आएगा, और फिर कितना प्रेशर उस प्लेयर के ऊपर होता है कि हाँ जी, प्रेशर भी होता है, डीमोरलाइजेशन भी होती है कि यार अब वो नहीं है अवेलेबल तो मेरा चांस बन रहा है. सवेरा, अब मैंने बहुत सारी बड़ी टीमों को देखा है कि किसी भी छोटी टीम के खिलाफ जब टीम अनाउंस करते हैं उसमें बहुत सारे सीनियर्स को रेस्ट करा देते हैं, या बहुत दफ़ा ऐसा भी हो कि वो सीरीज़ जीत जाते हैं, 2-3 मैचेस बाकी होते हैं, अपनी पूरी बेंच को मैचेस खिलाते हैं. हमने टोटली इसके पॉजिटिव, आई मीन टोटली इसके ऑपोजिट की है हमने, और बहुत दफ़ा नज़र आया है भाई, अगर आप सीरीज जीत के आप दोनों बेंच पे जो लड़के बैठे उनको भी ताकि पता चल जाए, खिलाफ अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेले. सवेरा 2-2, 3-3 साल सिर्फ लड़के टूर्स पे जा रहे होते हैं, टूर्स पे जा रहे हो, टूर करा रहे हो, खिला नहीं रहे होते उनको. दानी की बात अगर मैं करूं, 1.5-2 साल टीम के साथ रहा, कहीं खेली वो तो रिलेशनशिप मैनेजर बन गया था हमारा, केक कटवा रहा है तो हाथ मिला रहा है बेचारा, उसका यही काम रह गया. आई मीन कि जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उसको आपको डालना पड़ेगा, वो इतनी तगड़ी हो कि वो ये ना देखे कि यार मैं इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ मैच, आए जरा ग्राउंड में, जरा पता तो चले आपका. बिल्कुल. अभी इंडिया, मुझे सॉरी टू इंटरव्यू, अभी इंडिया के कुछ प्लेयर टीम अनाउंस किए, उन्होंने मेरे ख्याल में 3-4 मैचों में अलग अलग प्लेयर खेलाए, रेस्ट कराए, बहुत रोटेशन हुई, काफी हुई है. क्यों? उनकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, उनको भी जरा वर्ल्ड कप से पहले आओ तो सही, जरा दिखाओ तो सही क्या कर रहे हो. अब ये शायद आप सॉरी बीच में बोल पड़ा, आप देखिएगा, आपने साउथ अफ्रीका के मैच देख रहे हैं आप, इंडिया सॉरी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज पैट कमिंग्स, he's a captain, where is Stark, where is Smith, where are they,
वो नहीं खेले हमारे खिलाफ भी नहीं खेले दे प्रूवन देव प्रूवन देयर 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 इंपॉर्टेंस एंड दे नो अप साइड पे बैठे हैं और जो बाकी हैं उनका भी तो मेटल चेक करें ना कि वो कितने इसलिए कि जो 5-7 मैच खेलने वर्ल्ड कप से पहले 5-7 मैच खेल के या बेंच स्ट्रेंथ वाले हार जाएंगे वो सीरीज वो जीत रहे हैं बल्कि वो जीत रहे हैं यंग लड़कों के अंदर कई दफा इतना डिजायर होता है परफॉर्म करने का अपना जगह बनाने का कि वो दे गिव यू बेस्ट होगा क्या इससे वापस जब वर्ल्ड कप में आएंगे अगर कोई मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंग्स को इंजरी होती है दे आर रेडी टू प्ले बिकॉज उनके 5 स्टैट्स भी हैं yes. उनको कॉन्फिडेंस भी मिला हुआ है एंड दे बिलीव दैट के दे आर ट्रस्टिंग अस दैट्स व्हाई मतलब उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकेंगे वो प्लेयर्स ऐसी चीज आ जाए क्या हम अपनी बेंच को स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए तैयार रखते हैं कि नहीं रखते हैं वक्त एक ब्रेक का हुआ है ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि कल पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट किस स्ट्रैटेजी से उतरना चाहिए आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक जी जनाब वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 दीज ब्यूटिफुल जर्सीज इन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारे सेट पे बिकॉज ये जो तीनों जर्सीज यहाँ आपको दिख रही हैं द नंबर 9 द नंबर 10 एंड द नंबर 13 ये आप हासिल कर सकते हैं ये आपको मिल सकती हैं सवालात मैंने पूछे हैं और अगर आपने वो सवालात मिस आउट कर दिए तो कोई बात नहीं जब ये शो खत्म होगा तो उसके बाद ड्रैग पीछे कीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा सवाल क्योंकि मैं फिर से ये सवालों नहीं बताऊंगी और आपको देने जवाब तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इतना आसानी से आपको ये जर्सी नहीं मिलने वाली सो यस 3 अलग सवाल हैं इन तीनों जर्सीज के लिए एंड इस जर्सी को हासिल करने के लिए इन जर्सीज को हासिल करने के लिए आप को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और नॉट जस्ट जर्सी हासिल करने के लिए फाइनल में आप यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे यहाँ आ सकेंगे हमारे लेजेंड्स के हाथ से ये जर्सी जो है आपको मिलेगी एज गिफ्ट सो यस जल्दी से सवालों का जवाब देना शुरू कर दें फोन कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं बराए मेहरबानी अच्छे अच्छे कमेंट्स दें अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दें ऑल फॉल बातें ना करें हमारी टीम से बड़ा काम है इस वक्त हमारी टीम को बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका कल खेला जाएगा एंड लाला क्या स्ट्रैटेजी किस स्ट्रैटेजी से हमें उतरना चाहिए हम बेंच की तो बात कर रहे हैं दे वुड बी फोर्स चेंजेस इन पाकिस्तान टीम बट बेंच को इस्तेमाल करते हुए वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी प्लान ए प्लान बी सब तैयार होना चाहिए सवेरा मुझे नहीं पता हमारा फख्ता वहाँ पे अगर वहाँ से कुछ पता चल जाए इंजरीज का क्या हाल है ठीक है तो चीजें इजी हो जाएंगी टीम बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगी फाख्ता का पता लगाएं फाख्ता का पता लगाएं वक्त बल्कि मुशी भाई ने कहा था कव्वा वहाँ पे मुशी भाई कव्वा ना कव्वा के उसके पास ना इंफॉर्मेशन बहुत तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाए कौन लड़के फिट हैं क्या सिचुएशन है वहाँ पे देन फिर हम टीम बनाएंगे डिस्कस करेंगे उसको लेकिन बात वही है कि जो भी खेल रहे खेलने 11 ही हैं उनके भी 11 होने हमारे भी 11 होने बेंच हमारी अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए बेंच स्ट्रेंथ आपकी मौका मिलना चाहिए उनको भी मैदान में आना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ताकि हम देखें उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमें नज़र आ जाएंगी बात यह है कि हमें मैच जीतना है जी सारे लड़के ग्राउंड में एक ही माइंड के साथ उतरे कि हमने मैच जीतना है सिर्फ ये नहीं जीतना आगे हमारे सर पे वर्ल्ड कप भी है लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारी आदत बन गई है जीतने की इसी को हमने कंटिन्यू करना है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी करनी है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस खुद अच्छी आएगी बिल्कुल यूसुफ कमिंग टुवर्ड्स यू इतनी शैटरिंग डिफीट के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक होता है उस दिन मैंने मुशी भाई से पूछा था आज मैं आपसे पूछूंगी यू बीइंग दी लेट्स से यू आर दी कोच राइट नाउ ऑफ टीम पाकिस्तान एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम आफ्टर दैट थ्रैशिंग लॉस क्या कहेंगे आप लड़कों को और किस तरह बकअप करेंगे एंड व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी जरा मदद तो करें हमारे लड़कों देखिए ये बहुत बड़ी डिफीट है इसमें कोई शक नहीं यस ठीक है ये गेम है गेम में हो जाता है आप 43 पे भी आउट हुए हैं पाकिस्तान टीम जी उसके बाद देखें कितनी बड़ी बड़ी जीत की है पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे मैच टेस्ट मैचेस जीते हैं इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में तो गेम का हिस्सा है हारना जी आपने टीम को बैक करना है उनकी अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेज जो की हुई उन्होंने उनको याद करना है ये इसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूलना है कितना आगे मुश्किल और सब ने उठाना है जैसे मुशी भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कोचिंग में मैं अभी पिछले 2-3 साल में आया हूँ यहाँ एक साल टीम के साथ रहा हूँ वो मेरा बैटिंग कोच के साथ जी लेकिन ये जो बात करें फुल कोच वाली बात करें और साथ जो दूसरे कोच हैं वो
सपोर्ट कर रहे होते हैं मेन कोच को, तो बात बिल्कुल ठीक है, हमने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करनी है, उनको खड़ा करना है, बनस्बत के उनकी कोई हम परफॉर्मेंसेज जो बुरी हुई हैं उनको याद करें या उनको कहें ये क्या किया वो, ऐसा नहीं करना, हमने उनको पूरा कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो जो नेक्स्ट गेम आ रही है हमें डू एंड डाई गेम है, सेमीफाइनल ऑलमोस्ट, और इसको हमने जीतना है। और जो अभी आप बात कर रहे थे साउथ शकील की, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा प्लेयर है वो, अगेंस्ट स्पिन उसके पास शॉट्स हैं, स्वीप शॉट है, वो निकल के भी खेलता है, उसका अगेंस्ट स्पिन मुझे लगता है कि वो बेटर प्लेयर है जी, और फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, बेंच स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं उसके साथ साल देखा है मैंने, खेलते हुए देखा है नेट्स में, टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, जो लास्ट जितने भी टेस्ट खेला वो पाकिस्तान में भी और अभी श्रीलंका में भी, तो स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा, और वहाँ स्पिन ऑल विकेट जो मिलनी है आपको कल, ऐसे ही शायद विकेट मिले जो कल थी, वो स्पिन के अंदर हमें फंसाने की कोशिश करेंगे, गो हमारी फास्ट बॉलिंग, अगर गो ये दो हमारे मेन बॉलर बाहर होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो बेंच स्ट्रेंथ है जैसे जमान है, ये आसान बॉलर नहीं होगा, वसीम है बाहर, वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, चेंज है ऑलरेडी है टीम में हमारे पास, तो स्पिन के अगेंस्ट वो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, और हमारी टीम अगेंस्ट स्पिन अच्छा खेलती है, अच्छा खेलती है, हमारे बैटर्स जरा मसला करते हैं स्पिन के ऊपर, मैं बिल्कुल इस पे आऊंगी, आपने याद किया था फाख्ता को, सो हमारी फाख्ता हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा, अभी मैं वापस आती हूँ उस पे कि स्पिन अच्छा खेलती, कहाँ दिखा आपको हमारी स्पिन अच्छा खेलते, ठीक है, और उसको सिंगल लेनी आती है, तो लाला ये पहले क्यों नहीं सोच रहा था कोई, ये क्यों हमें एक नहीं कोलंबो आते ही इतने बड़े धचके के बाद हम क्यों सोचते हैं ये बात, हमने ये बात पहले क्यों नहीं सोची, नहीं, नहीं, हमें क्यों इतना बड़ा धचका चाहिए था, इस तरह की पिचे देखी भी नहीं थी हमने, बड़ी अच्छी विकेटें देखी है कोलंबो आते हैं, लेकिन इतना टर्न नहीं लगा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब हम खेल रहे थे क्या हमें वहां साउथ शकील की जरूरत नहीं थी, हमने तीसरे ओडीआई में जाके जब सब सेफ हो गया मामला तब हमने साउथ शकील, आपने ये सोचा था कि पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ इस तरह की हार होगी, पाकिस्तान ने खुद नहीं सोचा था, नहीं मैं बता रहा हूँ हमने सोचा था, हम ना पाकिस्तान ने सोचा था ना हमने सोचा था, जो आज बातें कर रहे हैं वो हारी है तो इसलिए बातें कर रहे हैं, बैटिंग पे कंटिन्यू देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस उठा के तो देखे माशाल्लाह से हम जीते जा रहे हैं, आदत सी हो गई हमें, तो इस तरह का एक हो जाता है जिस तरह यूसुफ कह रहा हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है, इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर देम, बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार वो झंझोड़ना जो होता है ना वो आपके लिए जरूरी होता है, बिकॉज जीत से अपनी गलतियां जरूर निकालनी चाहिए, मगर हार के भी चले गलती निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है कि उस पर हम अपनी चीजें अमेंड कर सकें, बट इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, और क्या खबर, क्या खबरें हैं कोलंबो से, क्या खबर आ रही है पाकिस्तान के कैंप से, कादिर क्या खबर आ रही है, कौन इंजर्ड है, कौन इंजर्ड नहीं है, किसको रेस्ट करा रहे हैं, किसको नहीं करा रहे हैं, जमान खान पहुंच गए हैं कोलंबो, व्हाट इज द अपडेट कादिर? देखिए सवेरा, सबसे पहली बात है कि हारिस रऊफ से शुरू करते हैं, हारिस रऊफ जो है वो उनकी साइड स्ट्रेन है, और साइड स्ट्रेन के मुताबिक उनको काफी पसलियों में दर्द थी, उसके बाद जो है उनका स्कैन करवाया गया जिसमें कोई टेयर कोई नहीं आया, और मसल जो है बिल्कुल ठीक है, सब कुछ एहतियाती तौर पर किया गया और उनको रेस्ट करवाया गया उस दौरान। उसके बाद जब नसीम शाह का ये वाकया हुआ तो नसीम शाह का जो पहला सिटी स्कैन था वो भी क्लियर आया, फिर उसके बाद दूसरा एहतियाती तौर पर मैनेजमेंट ने करवाया वो भी क्लियर है, और उसमें भी उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं है, कोई बड़ी इंजरी जो है वो देखने को नहीं मिल रही, अल्लाह का शुक्र है कि ये वो दोनों प्लेयर हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स ठीक हैं, और इसी हवाले से मुतबादल जो दोनों प्लेयर्स थे शाहनवाज दानी और जमान खान उनको तलब किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, क्या खुदा ना खास्ता अगर कोई होती है इंजरी सीरियस नोयत की तो इस हफ्ते के दौरान वो फिर ACC को चेक करके टेक्निकल जो है कमेटी को के साथ रब्ता करेंगे और दरख्वास्त देंगे। अभी तक इस तरह की कोई दरख्वास्त हमें खबर मौसूल नहीं हुई कि टेक्निकल कमेटी को उन्होंने दरख्वास्त दी हो, अलबत्ता जमान खान आज तो पहुंच चुके हैं, शाहनवाज थानी का जो वीजा है वो अभी तक जारी नहीं हो सका, उनके वीजे का सिर्फ वेट किया जा रहा है, जैसे ही वीजा आएगा तो उनकी दस्तयाब फ्लाइट से वो कोलंबो रवाना हो जाएंगे, और अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि दोनों जो खिलाड़ी हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई सीरियस नोयत की इंजरी नहीं है, तो अभी जो है वो फिलहाल दोनों की रिपोर्ट्स भी क्लियर है, लेकिन मेडिकल पैनल उन पर जो है वो असेसमेंट कर रहा है और उनका मुआयना कर रहा है बाकायदा तौर पर, और फिर उसके बाद आज रात को जब टीम मीटिंग होगी
उस दौरान ये फैसला किया जाएगा कि दोनों को शामिल किया जाना है। कल के मैच के हवाले से श्रीलंका के खिलाफ जो सुपर फोर का बड़ा अहम मैच होगा, हमारा एक तरह का सेमीफाइनल होगा, और वहां उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता मेडिकल पैनल की जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है इस हवाले से कि उनकी दोनों की शमूलियत के हवाले से। तो अभी अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है वो यही है कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल उनको किसी किस्म की कोई सीरियस इंजरी नहीं है। वो दोनों को वर्ल्ड कप के हवाले से खासतौर पर बताया जा रहा है और उनको इस वजह जी कादर मैच इंडिया के मैच के बाद जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई इंडिया के मैच के बाद तो सबसे ज्यादा एक क्रिटिसिज्म पॉइंट बना जो हम अपनी 11 पहले अनाउंस कर रहे हैं। बहुत लोगों ने जो है इस पॉइंट को हिट किया। शुरू में तो सब कह रहे थे वाह 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 दैट इज सच अ कॉन्फिडेंट मूव, टीम पाकिस्तान कॉन्फिडेंट दिख रही है, एक दिन पहले अपनी 11 ले आती है। मगर इंडिया के मैच के बाद जो है लोगों ने रियलाइज किया कि शायद पेपर से पहले पेपर आउट हो जाए तो बुरे से बुरा स्टूडेंट भी जो है वो अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, और जब एक सामने अच्छी टीम हो तो वह पहले से ज़्यादा उस पर फिगर आउट करके आ सकती है कि किस किस किसके अगेंस्ट क्या करना है। देयर इज़ नो सरप्राइज फैक्टर लेफ्ट। क्या टीम मैनेजमेंट कुछ इस तरह आप सोच रही है, क्या आज हमें 11 दिखेगी कि वो अनाउंस होगी श्रीलंका से पहले, या फिर अब थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट इस पर हेजिटेंट होगी? देखिए सवेरा, जिस दिन हम भारत से हमें शिकस्त हुई है उसके बाद वापस जब टीम होटल में पहुंची है तो हमने अपने अजाय से पूछा और तमाम तर चीजें हुई, किसी किस्म की कोई बात इस हवाले से उस दौरान उस दिन नहीं की गई। okay. किसी प्लेयर को कोई जो है उसको पॉइंट आउट नहीं किया गया, सब प्लेयर जो है वो ठीक थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अगले दिन जब आराम का दिन था, क्योंकि आज जो है वो प्रैक्टिस है पाकिस्तान टीम की श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 6 बजे से 8 बजे तक, 2 घंटे पर मुहित ये प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन जो कल गुज़श्ता रोज जो आराम का दिन था उस हवाले से टीम मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी कप्तान के हवाले से भी ये पॉइंट रेज किया गया था और उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि इस हवाले से सोचा जाए। तो अब जो है वो अभी जो हमें जराये बताते हैं वो यही है कि अभी तक जो है वो इस पर कोई फैसला हमें सामने देखने को नहीं मिला कि आया प्लेइंग 11 जो है वो उसको फाइनल करके पहले से अनाउंस किया जाएगा या कल जो टॉस होगा तो उस दौरान प्लेइंग 11 सामने आएगी और सरप्राइज दिया जाएगा श्रीलंका को, कौन से इन हो रहे हैं प्लेयरों, कौन से आउट हो रहे हैं। लेकिन आज जो है फिलहाल प्रैक्टिस सेशन के बाद जब टीम मीटिंग होगी, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रैक्टिस सेशन से पहले, उसके बाद क्विक एक अपडेट दे दीजिए। सलमान अली आगा का बीच में जो है वो जिक्र नहीं हुआ, एक क्विक अपडेट, स्टिचेस लगे सलमान को, क्या हुआ सलमान की, क्या अपडेट है और क्या वो कल के मैच के लिए अवेलेबल है? देखिए सलमान अली आगा की हमने गुज़श्ता रोज भी अपडेट तमाम तर चीजें दी थी जी, जी। कि सलमान अली आगा को फौरी तौर पर भारत से जब मैच हमने शिकस्त हुई है उसके बाद जब होटल गई है टीम तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वहां पर उनको जो है वो पट्टी की गई थी, मरहम पट्टी की गई थी, फिर उसके बाद उनके मुंह पर सूजन दिखाई दे रही थी उस हवाले से, उनका मुंह स्वेल हो गया था और उस हवाले से फिर टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि साउथ शकील, क्योंकि स्पिनर्स इस वक्त राज कर रहे हैं और स्पिनर्स का ये विकेट जो है वो सपोर्टेड है, तो साउथ शकील को शामिल किए जाने का इम्कान है सलमान अली आगा की जगह। ठीक है, और थैंक यू कादर, हो सकती है टीम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेंजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं यही चेंजेस हमें सामने दिख रही हैं। सलमान अली आगा की कल हम जो वो एक बात कर रहे थे, यस फास्ट बॉलर्स के ऊपर कंपल्शन है हेलमेट पहनने की, स्पिनर्स के ऊपर जो है वो कंपल्शन नहीं है, वो भी एक क्लैरिटी बिकॉज हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे उस बात को। स्पिनर्स के ऊपर भी इवेंचुअली मुझे लगता है कंपल्शन हो जानी चाहिए लाला, मतलब एक आपका सिक्योरिटी गियर इज वेरी चाहिए। आपने एक क्वेश्चन किया था शायद से पहले, तो उसमें सबसे जो प्लान ए और बी ये है ना, जो यहाँ पे अगर मैं हूँ टीम के साथ तो मैं ये ज़रूर उनको मैसेज दूंगा बैट्समैनों को स्पेशली कि अपने डिफेंस पे यकीन रखना। ये मिनी टेस्ट की बात करते हैं ना, विद द न्यू बॉल आल्सो एंड अगेंस्ट स्पिनर्स, व्हेन आपके पास आपका एज ए बैट्समैन आपका डिफेंस तगड़ा होता है ना, तो डिफेंस तगड़े होने से होता है कि आपको सिंगलें डबलें मिलती हैं। आपने इस मौके के ऊपर बॉलर्स को टारगेट करना है कि कौन से बॉलर को हमने लूटना है, किस बैट्समैन ने किसके पीछे जाना है। जैसे वो उसने गिल ने बताया था कि शहीन को हमने अटैक करना है और उसको नसीम को हमने देखना है। ठीक ना, अब ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बना के आपको ग्राउंड में उतरना चाहिए और ये प्लान क्लियर होना चाहिए। हर बैट्समैन को अपने रोल का पता होना चाहिए कि मैंने डिफेंस अगर 2-3 ओवर में रुक के भी खेल गया इन पिचों के ऊपर तो इट्स ओके, कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट
परेड नहीं होगी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि इन पिचों के ऊपर आपने विकेटें हाथ में रखनी है और आपने बॉलर्स को, ऑपोजिशन के बॉलर्स को टारगेट करना है कि किस बॉलर को हमने लूटना है, किसको नहीं लूटना. ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे मुशी भाई, जब हम अपनी 11 देखते हैं, एक एक चीज ये वाकई ये कमी लगती है हमारे लड़कों में, जो कहते हैं ना, नहीं जी पिच पे चिपकने वाला जो बैटर होता है, यानी हम जो एंकर इनिंग खेलने की बात करते हैं कि अटक जाए पिच पे, चाहे रन अभी बन रहे नहीं बन रहे, मगर जब तक वो इतनी देर खड़ा रहेगा तो इवेंचुअली ही वुड अंडरस्टैंड कि इस बॉलर के कैसी बॉल पड़ रही है, उसकी कैसी पड़ रही है, एंड ही वुड स्टार्ट गेटिंग इन दैट ग्रूव ऑफ बैटिंग. ऐसा कोई प्लेयर अभी हमें 11 में अटका हुआ दिखता नहीं है. है कौन नहीं है? इमाम क्या? बाबर है, रिजवान है, तीन चार प्लेयर आपके रिजवान है, बाबर. तो ये जल्दी क्यों मचा रहे हैं? ये कर ही नहीं रहे ना वो काम जिसके लिए ये मशहूर हैं, टू एंकर द इनिंग. एक्चुअली पता है नहीं पता क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है. वो मेरा शायद कोई बेहतर बता सकता है. मेरा जो माइंड है यहाँ पे, हम ब्रांड चेंज करने की बात कर रहे हैं, कंडीशन को सामने नहीं रख रहे. ये कंडीशन में 300 वाली विकेट नहीं है. हमारे दिमागों में डाला गया कि सामने इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैचअप करना है. मैचअप आप इंग्लैंड में करेंगे जाके, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, कदाबी स्टेडियम में करेंगे. इस पिचों के ऊपर तो आपने 220 करना है और 220 आपने 50 ओवर खेल के करना है. आप विकेटें गिरती जाएंगे तो आपको तो 20 रन नहीं कर सकते. गलतियां कर रहे हैं ना. अभी यूसुफ बेहतर तरीके से बताएगा बैट्समैनों की बात, क्योंकि जहां पे इस तरह की स्विंग सीम में हो रहा होता है, आपकी कोशिश होती है कि बैट आप अपने करीब रखो, ज्यादा लंबी टांग के साथ ना खेलो ताकि वो मैनेज हो सके स्विंग आपका. अब टेक्निकली गलतियां जब होंगी तो मेरे ख्याल में इस तरह की पिच मिलती भी तो नहीं है फिर. देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सरफेस को सामने रखते हुए आपने अपना टोटल ज़ेन में रखना है. अगर सरफेस जैसे अब कल वाला है, उधर 300 के जाता है इंडिया, तो मैं हर 150 भी आउट हो जाता. तो वो 300 नहीं है उस विकेट पे बनना. उस विकेट पे 220-230 विनिंग स्कोर है. मतलब हम इंग्लैंड का बैस बॉल देखते हैं ना, बैस बॉल इज नॉट जस्ट कमिंग इन एंड हिटिंग आउट, इट इज रिस्पेक्टिंग गुड बॉल्स एंड टेकिंग चांसेस ऑन द बैड बॉल्स. देखिए उन्होंने जो हमारे खिलाफ किया था ना 500 रन, वो विकेट 500 का, वो और तेज खेलते 600 भी हो सकता. बहुत डेड विकेट थी, कुछ भी नहीं था, बॉलिंग नहीं थी, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने एक अब अपना ट्रेंड बना लिया. अभी वो अपने होम सीरीज में भी ऐसे खेले, लेकिन जहाँ थोड़ी मुश्किल विकेट आती थी वहाँ जल्दी भी आउट हो गए, लेकिन सामने वाले को भी कर लेते थे फिर, उनकी बॉलिंग ऐसी. तो मेरा मकसद है कि जब तक सरफेस को आप नहीं चेक करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उस हिसाब से आपने खेलना है, उसको वैसे ही लेके. अगर फ्लैट विकेट है तो फिर एक पेस है, एक पेस है, उसको नहीं टूटने देना चाहिए. ठीक है जी, वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया. डिस्कशन अगेन, और जो है 5 बजे हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे. मगर जाते जाते आप लोग को मैं फिर याद दिलाती चलूं कि जनाब ये जो आप देख रहे हैं जर्सीज हमारे स्टूडियो में, ये एवी नहीं टांगी है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए. आप लोग हासिल कर सकते हैं जर्सीज को. सवालों के जवाब आपने देने हैं. सवाल मैंने पूछे, कल मैं फिर ये सवाल रिपीट करूंगी, आज 5 से 6 में भी रिपीट कर दूंगी, कोई बात नहीं आपके लिए. सो ये सवालों के जवाब आपने देने हैं, और जैसे ही सवालों के जवाब देंगे तो फाइनल में यहां आप इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे लेजेंड्स के हाथों से ये जर्सीज हासिल कर सकेंगे. वक्त यहां पे खत्म हो गया. 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.